हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कनेर प्लांट यानी ओलियंडर प्लांट के बारे में बात करूंगी कि ये तो बहुत सारे आते हैं कलर में, वैरायटी में, लेकिन जो मेरे पास है कलेक्शन मैं वो आपको दिखाती हूँ और वो अभी फ्लावर भी कर रहे हैं। इसमें भी फ्लावरिंग भी स्टार्ट है और ये लमसम सालों भर फ्लावर करते हैं। ये नहीं है कि ये आपको अभी गर्मी में ही करेंगे, सिर्फ ठंडे में थोड़ा दिन के लिए, एक दो महीना के लिए नहीं करते हैं। ऐसे तो अभी बहुत तेज़ धूप है तो इसके जो फूल हैं सो एक ही दिन में देखें सूख जा रहे हैं। देखें कितना भी पानी डाल रही हूँ, बहुत कड़ा है, 36-37 डिग्री है बिहार में, तो इस कारण से ये फूल जो है सो सूख जाते हैं एक ही दिन में, लेकिन ये बहुत अच्छे लगते हैं। देखें तो ये जो आपको मैं दिखाऊंगी, ये दो तरह के कनेर के बारे में, दो वैरायटी, जैसे एक चाइनीज आते हैं और एक जो देहाती होता है वो आते हैं। तो मैं आपको पहले चाइनीज के बारे में ही बताऊंगी और नीचे मेरे ग्राउंड फ्लोर पर नीचे ये है देहाती वाला है, वो मैं आपको नीचे जा कर के फिर आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी। तो ये देखें, ये जो है ये देखें क्रीम कलर का है। इसको मैंने पिछले साल 50 रुपया में, और एकदम छोटा सा देखें ये पॉट लगा हुआ है, एकदम छोटा सा पॉट में लगा हुआ है और हाइट करीब 5 फीट इसका हो गया है और फ्लावरिंग इसमें देखें बहुत अच्छे आ रहे हैं। इसके फ्लावरिंग बंच में आते हैं। तो एक तो ये आपको हो गया और एक ये रेड वाला आप लोग देखे हुइएगा, ये आप लोग बहुत कम देखे हुइएगा, बहुत कम ये नर्सरी में मिलता है, अवेलेबल है। और ये तो मिल जाता है, इसको भी मैंने 2-3 साल पहले, इसका तो मैं 2-3 कटिंग भी बना ली हूँ, वो भी मैं बताऊँगी इसका कटिंग कैसे लगता है, इसका मैं कटिंग बनाई हुई हूँ। तो ये भी मैंने 2-3 साल पहले, ये भी चाइनीज कनेर ही है और ये भी चाइनीज ही है, ये व्हाइट में है, इसका मैं कटिंग अभी नहीं बनाई हूँ, लेकिन इसका भी कटिंग जैसे इसका बनता है उसी तरह से इसका भी कटिंग बन जाएगा। तो आप लोग यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, जो मैं और आगे भी वीडियो बनाऊं और मुझे अच्छा लगे। तो जैसे ये है कि आप इसे, जैसे इसका कटिंग लगाना है तो आप इसका जो ये जो है ऊपर का जो टॉप एरिया है इसको यहाँ से तोड़ लें और नीचे 2-3 पत्ते ऐसे ऐसे हटा लें, 1 इंच पत्ते हटा लें और इसे ज़मीन में लगा दें। बारिश के मौसम में आजकल ये नहीं लगेगा, इसलिए मैं नहीं तोड़ करके दिखा रही हूँ, बारिश में ये लगेगा और इसे लगा दें तो ये लग जाएगा। इसका मैं यही लगाई हुई हूँ, ये बीज भी इसमें निकला हुआ है, लेकिन बीज से ये नहीं लगेगा, बीज से पता नहीं कब लगेगा, और कटिंग से ये आराम से लग जाएगा। जैसे यहाँ का टॉप एरिया यहाँ से कट कर लें और ये पत्ते सब तोड़ ले थोड़ा सा और इसे लगा दें, 1 इंच नीचे मिट्टी में दबा दें, गमले में दबा दें, तो ये आपका हो जाएगा, ये कटिंग से तैयार हो जाएगा। एक चाइनीज जो आता है ये देखें, इधर भी है पिंक में, ये बहुत बड़ा पेड़ है, देखें इसके बहुत सारे खिले हुए हैं और ये सालों भर और एवर ग्रीन, सालों भर इसके पत्ते हरे रहते हैं, फ्लावर नहीं भी दे रहे हैं तो इसके पत्ते बहुत अच्छे लगते हैं, हरे हरे ग्रीन ग्रीन। और इसमें केयर की बात करूं तो इसमें कोई केयर नहीं ज़्यादा है, जैसे आपको और सब प्लांट में केयर होता है फ्लावरिंग वाले में, इसमें कोई केयर की उतना ज़रूरत नहीं है। बस इसे थोड़ा सा बड़े गमले में, जैसे मैं देखिए इसे 15 इंच के गमले में लगाई हुई हूँ, और थोड़ा सा बड़ा गमला रहेगा तो इसमें इसका रूट जो है वो अच्छा रहेगा, रूट इसका फैलेगा, तो इसलिए आप इसे थोड़ा बड़े गमले में लगाएं। और खाद में आप जो खाद हो आप दे दें, जैसे हम तो ऑर्गेनिक ही देते हैं तो वही जो गोबर की खाद हुई, ये सब जो हुई वही सब मैं दे देती हूँ, वर्मी कंपोस्ट दे देती हूँ, नीम खली दे देती हूँ, सरसों खली दे देती हूँ, लिक्विड बना करके देती हूँ, तो ये सब भी आप दें इसमें और ये बहुत अच्छा लगता है। जैसे अब मैं इसकी बात करूं तो इसका जो फ्लावर है उसको आप पूजा के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, ये पूजा के लिए आपका यूज नहीं होगा, पूजा के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं, ये आपका गार्डन में
शो बढ़ाएगा, गार्डन अच्छा लगेगा, इससे गार्डन में शो आएगा। लेकिन ये आपको पूजा के लिए यूज नहीं होगा, और वो जो देहाती है वो आपको पूजा के लिए यूज होगा। तो मैं फिर आगे और वीडियो बना के आपको दिखाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको ये जो देहाती कनेर है इसका मैं दिखाती हूँ। देखें, एक ये पीला खिला हुआ है। ये बहुत लंबे लंबे प्लांट होते हैं, देखें बहुत लंबे हैं। और ये मेरे पास एक बकेट में लगे हुए हैं और 8-10 साल पुराने हैं। अभी तो इसमें फ्लावर निकल चुके हैं, बीज बन गए हैं और 1-2 निकले हुए हैं। और एक यहाँ है, देखें ये ऑरेंज है, देखें ये भी बहुत बड़े हैं, देखें। और एक मेरे पास वाइट है, देखें इसमें भी फूल लगे हुए हैं, देखें वाइट कलर के फूल लगे हुए हैं। तो ये मेरे पास 3 तरह के देहाती जो है वो 3 तरह के हैं। एक पीला है, एक ऑरेंज है और एक ये वाइट है। तो आप लोग भी इसे लगाएं, और ये पूजा के लिए काम आता है। इसमें आप पूजा के लिए ये 3 प्लांट, ये उजला वाला है गणेश जी को बहुत प्रिय है, पीला है वो विष्णु भगवान को प्रिय है, भोला बाबा को प्रिय है। तो आप लोग भी इसे लगाएं। थैंक यू।